आज मैं आपको जोड़ो की नई टेक्निक सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको जोड़ो की काफ़ी टेक्निकें मैं सिखा चुका हूं और मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और उसमें आपको नई नई जोड़ो की टेक्निकें मिल जाएंगी। और ये जो नई टेक्निक है, इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। तो मैं आपको आज नई टेक्निक बताऊंगा जोड़ों की, कि जोड़ों के अंदर जो विश्व किस तरीके से शामिल किया जाता है, तो मैं दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे कि सामने वाला मेरे स्टूडेंट, मेरे शागिर्द मेरे ऊपर हमला करेगा और हमला करने के बाद वो मेरे को पंच मारेगा। जब पंच मारेगा तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, अटैक पंच। ये पंच है, यहाँ से ग्रिप करने हैं, इधर से इनका इस तरीके से ग्रिप करना है। और ग्रिप करते हुए इस कोनी को इनके गले पे रखना है। गले पे रखते हुए गले की मदद से इनको दोबारा देखें, शॉट यहाँ से इनका आसीन पकड़नी है, यहाँ से कॉलर पकड़ना है। पकड़ने के बाद अपनी कोनी को इनके गले पे रखना है और गले पे रखते हुए अपने पैर को इनके पैर की तरफ लेके जाना है और गले पे रखते हुए इसको आराम से तसल्ली से स्टूडेंट्स के होते हुए शॉट एक दफा और देखें। ये शॉट यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ लेकर आए, कोनी मैंने इनके गले पे रखी और ये पैर इनके पैर के पीछे ले जाते हुए गले की मदद से इनको थ्रो कर दिया। अब आपको मैं इसकी दूसरी टेक्निक सिखा रहा हूँ और इस पर देखिएगा कि मेरा हरीफ, मेरा स्टूडेंट, मेरा शागिर्द सामने खड़ा हुआ है और ये मेरे को पंच मारेगा। मैं उसको किस तरीके से डिफेंस में लेकर आते हुए इसको आर्म लॉक लगाऊंगा। तो आप अटैक करें। ये पंच मारा, उल्टे हाथ से मैंने ब्लॉक किया, सीधा हाथ मेरा इनके कोनी पे गया, इस जगह पे इसको झटका देते हुए यहाँ लेकर आया। और इस तरीके से इनको नीचे गिरा दिया। दोबारा देखें, अब मैं आपको बहुत स्लो दिखा रहा हूं। ये पंच सीधा हाथ मेरा उनके कोनी के ऊपर गया और यहां से इनको झटका देते हुए ये हाथ मेरा यहां आया और ये हाथ यहीं है, ये हाथ अपना निकाल भी नहीं सकते। मेरा सीधा पैर इनके पैर के पीछे गया और इसी कोनी की मदद से, अगर ये नहीं गिरेंगे तो इनका हाथ टूट जाएगा, इनको मजबूरी तौर पे गिरना पड़ेगा। तो इसको दबाते हुए ठेंग और शॉट मार सकते हैं आप। दोस्तों देखोगे, अब ये आपको मैं इसकी तीसरी टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा हरीफ, मेरा शागिर्द, मेरा स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हमला आवर हो रहा है, उसको पंच मार रहा है, तो मैं इसका किस तरीके से डिफेंस करूँगा। अटैक, ये पंच यहाँ आए, यहाँ ले आए, अब मैं इसको झटका दूंगा तो टूट जाएगा। दोबारा देखें इस टेक्निक को,
ये यहाँ से लेकर आना है, अपने आप को इसी तरीके से खड़ा करना है और सिर्फ इस ऐसे कोनी कंधे पे रख के नीचे के साइड झटका देना है। गला पकड़ ले तो किस तरीके से आप छुड़ाएंगे, तो ये स्टूडेंट से मैं अपना आपको पकड़वाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पकड़ें आप जरा, ये इस तरीके से अगर आपको पकड़ लिया, आप देख सकते हैं चारों तरफ से कि इन्होंने मेरे को किया हुआ है और बैंड कर, ये इस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है छुड़ाना। इससे गर्दन की हड्डी भी टूट सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं टेक्निक आपको, इसकी एक दो टेक्निक हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले टेक्निक ये है कि आप अपना कोई सा भी हाथ एक ऊपर लेके जाएंगे, घुटना यहाँ रखेंगे, यहाँ से उंगली खींचते हुए इस तरीके से आप छुड़ा लेंगे। नंबर दूसरी टेक्निक, यहाँ से पकड़ेंगे आप, जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है मेरे को, पकड़ने के बाद मैं कोई सा भी एक हाथ इनके सर की तरफ लेके जाऊंगा और इस तरीके से इनको फेंक दूंगा। दोबारा देखें इस टेक्निक को, इस तरीके से पकड़ लिया है, कोई सा भी एक हाथ उल्टा या सीधा, ये हाथ इनके सर के ऊपर जाएगा, यहाँ से पकड़ के रखूंगा, ये पैर इनके पैर के पीछे जाते हुए इस हाथ को मैं खींचूंगा तो ये सामने आ जाएंगे। दोबारा देखें पहले वाली टेक्निक, कोई सा भी एक हाथ ऊपर लेके जाएंगे, इनकी कोई सी भी फिंगर, इनके हाथ की कोई सी भी एक फिंगर पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसको अपनी तरफ खींचेंगे, खींचते हुए आप एक घुटना उठा के इनके पैर पे रखेंगे और इस तरीके से फेंक देंगे। मैं आपको इसी टेक्निक की इसी टेक्निक को सिखा रहा हूँ कि अगर सामने वाला दोबारा इसी तरीके से पकड़ लेता है तो ये जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी गर्दन पकड़ी, अब आपको यहाँ छुड़ाने के लिए अपने स्टेप को तब्दील करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको यहाँ आना पड़ेगा, अपने आप को इस तरीके से इनको बॉडी टॉस देते हुए ऐसे आना पड़ेगा और अपने हाथों से इसके ये इससे पकड़ना पड़ेंगे। पकड़ने के बाद इसको उठा के और इस तरीके से छोड़ लिया जाएगा। इस तरीके से पकड़ा, अपने आप को तब्दील किया, उल्टा पैर मैं पीछे लेके गया, हाथों को इसके घुटनों को लेवर को पकड़ा, पजामे को पकड़ा, घी को पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको यहाँ से उठाया और उठाने के बाद अपने लाते हुए फेंक दिया शॉट। मुझे उम्मीद है कि यह आप टेक्निक आपके जहन में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो इस चैनल को देख के रिपीट करें और ख्याल रखें कि ऐसी जगह हो जहाँ आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हों, वो जगह घास जैसी हो, नीचे घास के पत्थर ना हो, या अगर सख्त जगह है वहाँ पे मैच वगैरह बिछा लें, उस मैच बिछाने से ये होगा कि आपको या आपके हरीफ को, आपके दोस्त को, आपके स्टूडेंट्स को कोई जर्द नहीं लगेगी, कोई चोट नहीं लगेगी। इससे पहले मैं आपको काफ़ी टेक्निक जोड़ों की सिखा चुका हूँ और ये मैंने आपको आर्म लॉक की टेक्निक के बारे में सिखाया है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।